आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्णिया के बाईसी अंतर्गत घटित मझुआ कांड में प्रतिनिधियों ने तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल का भ्रमण किया, साथ ही पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। मझुआ गांव में एक के बाद एक सभी दल के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में बाईसी विधायक सैयद रुकनुद्दीन, पूर्व मंत्री से बनमनखी विधायक कृष्ण कुमार ऋषि गाँव पहुँच कर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मौके पर भाजपा के MLC दिलीप जायसवाल भी पहुंचे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और हर संभव दोषियों को सजा देने का भरोसा दिलाया। पीड़ितों ने अपने दर्द प्रतिनिधियों को सुनाए, प्रतिनिधियों ने भी दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। गौरतलब हो कि 19 मई की देर रात पूर्णिया के बाईसी अंतर्गत खपड़ा पंचायत के मझुआ गांव में महादलित बस्ती को कुछ असामाजिक तत्वों ने जला दिया था, जिसमें एक सेवानिवृत्त चौकीदार मेवालाल राय की हथियार से पीटकर हत्या कर दी गई थी। साथ ही साथ 13 घरों को भी जला दिया गया था। ये घटना बहुत हृदय विदारक घटना है, बहुत दुखदायी घटना है। अगर ऐसा कोई लोग बोलते हैं तो वास्तविकता भगवान ऊपर है और भगवान सारी वास्तविकता को जान रहा है। अगर आज मैं गलत बोल दूंगा तो इसका सजा मुझे भी मिलेगा और मैं किसी को संरक्षण न देता हूं, न हमारी पार्टी का कोई ऐसा रिलेशन है कि सांप्रदायिक स्वार्थ के माहौल को गड़बड़ाया जाए। जो असामाजिक तत्व है, जो गुंडा है, प्रशासन उसको उम्र कैद की सजा दे और इतने बड़े घटना को अंजाम देने के लिए जो सख्त से सख्त कार्रवाई है और यहाँ के महादलित परिवारों की समस्या का समाधान हमेशा के लिए करे, क्योंकि प्रशासन अगर सक्रिय होता तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं घटती। पूर्व से यहाँ जमीन का विवाद चल रहा है, कई वर्ष पहले भी यहाँ पुलिस का कैंप था और यहाँ के हरिजनों के साथ निरंतर अन्याय होता है। इन लोगों को न्याय नहीं मिला, अगर न्याय मिलता तो ये घटना नहीं होती। और कोई अगर ये आरोप करता है कि संरक्षण, तो उसी पार्टी का मैं भर्त्सना करता हूँ और उससे असामाजिक और जो सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को गड़बड़ाते हैं और उससे नेता को इस क्षेत्र से बायकॉट करना चाहिए। यहाँ का हिंदू मुसलमान शुरू से मिलके आया है, यह हरिजन कोई आज नया नहीं आया, बाप दादे के टाइम से यहाँ हरिजन बसा हुआ है। इसलिए ऐसे बात का मैं घोर निंदा करता हूँ और ऐसे लोगों को अपने जवान पर ताला लगाने के लिए कहता हूँ कि आपके ऐसे गलत बयानबाजी से समाज में कहीं सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल नहीं गड़बड़ाए, कृपया आप शांति बनाए। अगर आपको हमदर्दी है यहाँ के लोगों से, अगर कुछ देने के लिए आए हैं तो आप दें और कृपया अपने बयान को गलत माहौल को बनाकर यहाँ से नहीं जाए। ये तो जमीनी विवाद पहले से है, अगर प्रशासन जमीनी विवाद को पहले हल निकाल देती तो आज इस तरह का घटना नहीं होता। प्रशासन का कहीं न कहीं कमी है जिसके कारण से ये जमीन विवाद धीरे धीरे आपसी विवाद में परिणत हो गया। और जब कल मुझे मालूम हुआ कि जिस तरह का अमानवीय घटना यहाँ पर घटा है, लोगों के घर को जला दिया गया, एक आदमी को पीट पीट कर मार दिया गया, तो ये घटना तो अमानवीय है और महिलाओं के साथ भी बदतमीजी हुई है, तो सरकार को तुरंत जो है ऐसे लोग जो कि घर जलाने का काम किए, जिसने हत्या करने का काम किया और जो नेम्ड FIR है, उन लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके, अभी तक दो ही लोग गिरफ्तार हुए हैं, गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल सरकार को चला करके न्याय दिलाने की ज़रूरत है। अगर सरकार बोलती है कि हम कानून का राज रखते हैं, तो कानून के राज में चाहे कोई भी हो, कानून को अगर हाथ में लेता है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं सरकार के भी साख का और सरकार के भी इज्जत का और गैर जिम्मेवारी का कहीं ना कहीं संदेश जाएगा। इसीलिए सरकार और यहाँ की पुलिस प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करे। इस बात का संज्ञान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी ले रही है और जो पुलिस पदाधिकारी या पदाधिकारी इसमें कार्रवाई में दोषी पाए जाएंगे उन पर भी कार्रवाई होगा। कोई पदाधिकारी बचेंगे भी नहीं अगर वो इसको बचाने का या ढकने का काम करेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, सभी धर्म सभी जाति के लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं और जो गलत लोग हैं उनको पकड़कर उनको सजा दिया जाए, क्योंकि पूरा समाज गलत नहीं होता है।
कोई जाति या धर्म गलत नहीं होता है, कुछ लोग गलत होते हैं। तो अगर जो लोग गलत हैं अगर उनको सजा मिल जाता है, उनको पकड़ लिया जाता है, तो जिस तरह से यहाँ पर पहले से भी गंगा जमनी और प्यार का संबंध बना है सबका, वो संबंध बना रहेगा, वो रिश्ता बना रहेगा। इसीलिए तुरंत जो है वैसे लोगों को गिरफ्तार करके स्पीडी ट्रायल चला करके उनको, जो जिसने हत्या किया है उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर देखे हैं कि डिप्टी साहब भी आए हुए हैं, सीओ साहब भी है, सरकारी स्तर पर अभी जैसे जब तक खाना बन रहा है कुछ प्लास्टिक दिया गया है, सामाजिक स्तर से भी हम लोग चाहते हैं कि सबको कुछ प्रयास हो, लेकिन सबसे बेसी दुखद है कि इस तरह की घटना सब बहुत ही निंदनीय और दुखद घटना है। इस तरह की घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है, और इस तरह का समाज में एक द्वेष, सामाजिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए किसी भी असामाजिक तत्व इस तरह का घटना करता है, तो निश्चित रूप से वह कार्रवाई योग्य है। और जब मैंने SDPO साहब से बात किया है तो उन्होंने कहा है कि रात में तो SP साहब बताए थे कि 2 का अरेस्ट हुआ है, और आज सवेरे फिर मालूम हुआ कि आज सवेरे अरेस्ट हुआ है, तो उस पर प्रशासन सजग है, कार्रवाई कर रही है। हम लोग और चाहते हैं कि जिस भी लोगों ने, जितने लोगों ने, 2-4 लोगों की घटना नहीं, इसमें हमको लगता है कि 100 से 150 की संख्या में लोग आए थे, उतने लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई के साथ साथ स्पीड ट्रायल चला करके दलित लोग हैं, महादलित परिवार लोग हैं, इसके साथ घटना घटी है, उस पर जितने कठोर हो सकता है, दलित एक्ट के तहत दलित एक्ट तो लगेगा ही, उसके अलावा जो इस तरह का घटना घटी है सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए, निश्चित रूप से वह उस पर कार्रवाई होगी। और इस कार्रवाई में कोई भी लोग, हो सकता है किसी भी लोग इस तरह का बचाने के लोग प्रयास करेंगे, वह भी नहीं बच पाएगा। इसीलिए कि यह घटना बहुत दूर तक चला गया है, मुझे भी मालूम हुई, मुझे भी दिल्ली से कई लोग फोन करके बताया है। इसलिए यह घटना छोटी घटना नहीं है, बड़ी घटना है, और हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन से भी मिल करके बात करके अविलंब और अधिक कार्रवाई हो, जितना हो सकता है वह अविलंब कार्रवाई होगा।